हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप कहीं पर गारंटर बने हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं वो गारंटर से जो है अभी बीच में ही हाल फिलहाल में उसको रिमूव करा लूं, मतलब आपका ऑलरेडी किसी में गारंटर आप बन चुके हैं और 3 साल का वो लोन ऑलरेडी रनिंग में है और आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसको बीच में जो है विड्रॉल कर लूं, मतलब मैं वहां से गारंटर हट जाऊं, तो क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक गारंटर बनते हैं तो सबसे पहले आपके सिविल रिपोर्ट पे एक एंट्री आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि किसी ने कार लोन लिया था और मैं उसमें गारंटर बना था। ये गारंटर तब तक मैं था जब तक वो लोन चला। उसके बीच में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बीच में विड्रॉल करूं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो पहली बात तो मैं खुद का ही अपना एग्जाम्पल दे देता हूं। आप देख सकते होंगे दोस्तों यहां पर कितने दिन का डिले किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे 2 महीने इन्होंने डिले किया है, 30 दिन का आप डिले देख रहे होंगे। नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में इन्होंने डिले किया। इनके वजह से मेरा सिविल डाउन हो गया। अब मैं गारंटर जहां पर मैं बना था महिंद्रा फाइनेंस में, मैं वहां पर गया, मैंने उनको बोला कि मेरे को विड्रॉल करना है, मेरे को नहीं बनना इनका गारंटर, ये टाइमली पे नहीं कर पा रहे, मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरे को लोन नहीं मिलेगा इनके वजह से। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ बोला कि जितने साल तक ये लोन चलेगा तब तक आप गारंटर हो, अगर इसने ये पे नहीं किया तो आपको, आप लायबल हो, आपको पे करना पड़ेगा। तो जो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पर गारंटर बन गया था, मैं अपने भाई का गारंटर बन गया था, मैं अपने फैमिली मेंबर में किसी का गारंटर बन गया था, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, मेरा सिविल खराब हो गया, सर मैं क्या करूं, क्या मैं उसको विड्रॉल कर सकता हूँ, मैं गारंटर से हट सकता हूँ बीच में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। गारंटर से आप तभी हटेंगे जब वो लोन टोटली क्लोज हो जाएगा। अगर वो लोन नहीं पे करता है तो एक तरीके से आप लायबल हो जाएंगे पे करने के लिए। तो जो सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को आके पूछते हैं कि सर मैं गारंटर बन गया हूं तो कैसे रिमूव करूं, इसका रिमूव करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। जब आप गारंटर बन गए तो जब तक वो लोन चल रहा है तब तक आप गारंटर हो। अगर वो पे नहीं कर रहा है तो आपका सिविल तो खराब होगा, और वो कहीं चला जाता है तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा। जब मैं महिंद्रा फाइनेंस में गारंटर बन रहा था तो फाइनेंसर ने मेरे को बोला था कि बाद में जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पे करना पड़ेगा अगर ये लोन नहीं पे कर पाते हैं। अगर ये गलत या डिले कर रहे हैं या मतलब पेमेंट ही नहीं कर रहे तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा इसको पैसे को, मतलब अगर वो पे नहीं करते हैं बिल्कुल भी और वो कहीं गायब हो जाते हैं तो उस केस में हम आपको आके पकड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप गारंटर बनते हैं, मेरे को उन्होंने ये भी बोला था कि आजकल तो भाई भाई के गारंटर नहीं बनने के लिए रेडी होता है, तो आप कैसे इसमें जो है गारंटर बन रहे हो। मेरे को पता था कि वो पे कर देंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी जब गाड़ी, मतलब कमर्शियल कार थी, वो पे नहीं कर पाए। तो देख सकते हैं कि जब डिले हुआ तो मेरा सिविल एकदम से 30 पॉइंट कम हो गया। अब मैं परेशान हो गया क्योंकि 770 सिविल से आपको 30 पॉइंट कम हो जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको भी बोलेंगे यार कैसे, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उसने पेमेंट नहीं की। अब उसने पेमेंट नहीं की तो सिविल आपका भी, उसका तो खराब हो ही रहा है, आपका भी खराब हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों गारंटर बिल्कुल आप ये तरीके, मैं तो बोलूंगा कि बने ही ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि अगर उसने पेमेंट नहीं की, आप अपने अपने लिए गारंटी ले सकते हो लेकिन दूसरे की गारंटी आप नहीं ले सकते। अगर उसने कोई भी प्रॉब्लम कर दी तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, फ्यूचर में आपको लोन लेने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गारंटर अगर आप बनते भी हैं तो ये देख लें कि उसकी गुडविल कितनी है, कि उसको वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो ऐसा ना हो कि वो पेमेंट ही ना कर पाए, जो इस केस में हुआ। मेरा सिविल डाउन हो गया और आज मेरा सिविल ठीक ठाक है, आप देख पा रहे होंगे 770 के करीबन मेरा सिविल स्कोर आपको दिखा रहा होगा। ये कैसे है दोस्तों, क्योंकि मैं सिविल को पकड़ के रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ इन द सेंस कि जो भी मेरे पेमेंट है वो टाइमली जा रहे हैं कि नहीं, वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं कि नहीं, वो मैं सारा चेक करता रहता हूँ। हर 6 महीने पे मैं मेंबरशिप लेता हूँ जो करीबन 800 रुपीज का आता है। हर साल मैं चेक करता हूँ, हर महीने जो है मैं अपना सिविल स्कोर चेक करता रहता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो इसलिए दोस्तों गारंटर अगर आप बन चुके हैं किसी के तो वो तब तक नहीं हट सकते जब तक वो लोन क्लोज नहीं हो जाता। जो जो मेन आपका जो सवाल था, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिसका लोन है उसको बस ये बोलते रहे भाई अब तुम टाइमली पेमेंट कर दो कि मेरा सिविल बस ना खराब हो, जितने जल्दी हो सके वहां से रिमूव हो जाए। गारंटर बनने से पहले दोस्तों 1000 बार सोच ले कि इससे मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों।